कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेहरोली के एसडीएम ने अंधेरिया मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया। जी हाँ, ये चेकिंग अभियान सिविल डिफेंस के लोगों के द्वारा किया गया। इसको बता दें कि गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं और मास्क लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, इन्हीं चीज़ों को सिविल डिफेंस के लोग जो यहाँ पर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको अंधेरिया मोड़ की दिखा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मेहरोली के एसडीएम के द्वारा ये टीम गठित करी गई है जो कि सड़क पर, आपको बता दें कि वाहन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको चेक कर रही है कि उन लोगों ने मास्क लगाया है कि नहीं लगाया, बसों के अंदर लोग सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे, ये सारी चीज़ें चेक करी जा रही हैं। जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका फाइन किया जा रहा है। 500 रुपये का जो फाइन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मास्क ना लगाने पर 500 रुपये का जो फाइन है वो किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग अभी भी जो है कोरोना महामारी को लेकर जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से मेहरोली एसडीएम के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। देखिए, आप सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए गाड़ियों में, जो लोग बैठे हैं, जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनका फाइन किया जा रहा है, चाहे ऑटो में बैठे हुए लोग हों या बस में या फोर व्हीलर में, सभी लोग, जो लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंस का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका चलान यहाँ पर कर रहे हैं सिविल डिफेंस के लोग। पहले तो उनको देखिए यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ना है। तस्वीरें हम आपको अंधेरिया मोड़ की दिखा रहे हैं और यहाँ पर मेहरोली एसडीएम के द्वारा सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको बता दें लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर ये कदम उठाया गया है, क्योंकि प्रशासन चाहता है कि कोरोना पर रोक लगे और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जाए, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लोग गाड़ियों में बैठते हैं वो सोशल डिस्टेंस तो बना लेते हैं कभी कदार, लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का कदम जो है अब उठाना पड़ रहा है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर फाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर फाइन किया जा रहा है। गाड़ी में क्या रखना पड़ेगा, कैसे था एक बार बता दूँ। मेरा नाम मोहित है, पूरा नाम मेरा मोहित कुमार मौर्य है, और हम इस वक्त एक मास्क ड्राइव पे चल रहे हैं अभी अवेयरनेस पे। लोग अभी भी अवेयर नहीं है, तक देखा जाए तो कोई सीरियस नहीं है। कितना भी समझाए लोगों का यही कहना है कि हम तो फैमिली हैं जी, हमारी प्राइवेट कार है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, पर कोई वो नहीं है। कितना भी समझा तो लो, आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं इनके ऊपर? कार्रवाई ये कोशिश ये है कि जैसा हमें कहा गया है कि फाइन काटना है 500 रुपये का, और लोगों को समझाया भी जा रहा है, और कोशिश ये कर रहे हैं कि मास्क भी देंगे। अभी आज हमने एप्लीकेशन दे रखी हो अपने ऑफिस में, कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जाए, और उद्देश्य ये नहीं हमारा कि फाइन ही काटे, सिर्फ समझाना आज, भी एक हो। आज कौन सी जगह में आपके यहाँ अभियान चल रहा है, रेड लाइट का नाम बता दीजिए। ये अंधेरिया मोड़ की रेड लाइट है, 100 फुटर रोड जिसे कहते हैं इसे। क्या इससे पहले भी आपके और कोई अभियान चले हैं, लगातार आप इसमें रहे हैं? देखिए, अभी तो मेरी ये चलान ड्यूटी चल रही है इस टाइम मास्क वाली, इससे पहले मैंने एयरपोर्ट पे किया था, पैसेंजर्स को बैठाना रहता था, क्योंकि तो वहाँ पर ही रहता था, काफ़ी लोग इधर उधर भग जाते थे, उनकी देखरेख करनी रहती थी। तो अभी जो ये यहाँ का विषय ये क्या है? हाँ, यहाँ किस लिए मतलब आज चलान काटे जा रहे हैं ये बता दीजिए। चलान ये इसलिए काटे जा रहे हैं, लोग अभी भी मास्क पहन के नहीं जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हमने लगा रखा था पर उनका मास्क लगा ही रहता, उनका मास्क कैसा लगा रहता आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे मास्क लगा रहता है उनका, और कहना है कि मैंने मास्क लगा रखा है, और कई लोगों को समझा के छोड़ रहे हैं कि समझ जाए इंसान, पर समझना किसी को नहीं है, आर्ग्यू करनी है हर चीज़ पे। कितने का चलान है? 500 रुपये का चलान है, 1% का। और अगर एक ठीक